हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जीके स्टैंडर्ड सेकंड यूनिट 5 5 टू 6। दिस इज वर्कशीट वीडियो। टी स्टैंडर्ड 2 की आपकी जीके की वर्कशीट वीडियो है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको लिखना नहीं है, अभी आपको ध्यान से सुनना है। अभी इसमें आपके 5 सेक्शन रहेंगे, जो आपका फर्स्ट सेक्शन आपका रहेगा एमसीक्यू। ओके, तो जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है और 2 ऑप्शन देंगे। तो ये आपका 1 से लेकर 15 तक है। फिर आपका सेकंड सेक्शन रहेगा फिल द ब्लैंक्स का। ओके, इसमें फिल द ब्लैंक्स रहेगी, आपको ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, ऑप्शन देख के आपको फिल द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। ओके, फिर आपका थर्ड आएगा ट्रू और फॉल्स, तो आपका थर्ड सेक्शन रहेगा ट्रू और फॉल्स का। और उसका नेक्स्ट आपका फोर्थ आएगा मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। फिर आपका क्वेश्चन 5 रहेगा राइट आंसर इन 1 वर्ड, मतलब आपको यहाँ पे 1 क्वेश्चन आएंगे, उसके आपको आंसर 1 वर्ड्स में देना है। ओके, जिस तरह से लेके आपका 1 से लेके 10 तक रहेगा। तभी आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है, अभी आपको लिखनी नहीं है। अगर आपको याद करनी हो तो इसके साथ जो PDF आएगी वो आप देख कर याद कर लीजिएगा। ओके, और 1 टाइम नोटबुक में लिख लीजिएगा कि आपके एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। ओके, तभी हम फर्स्ट क्वेश्चन टच करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो स्टैंडर्ड 2 का हम जीके का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया इज। अब इंडिया का नेशनल एनिमल कौन है, टाइगर है या फिर बी है। ओके, तो आप सबको पता है कि हमारा टाइगर है, तो टाइगर पे हम इसे टिक लगाएंगे, टाइगर हमारा राइट आंसर होगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया इज, फिल द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए मुंबई। ओके, दिल्ली नहीं होगा, मुंबई होगा। इसी तरह से भी हम क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड में यहाँ पे रेड फोर्ट इज लोकेटेड इन, फिल द ब्लैंक्स। अब रेड फोर्ट कहाँ पे, मणिपुर में या फिर दिल्ली में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली। ओके, फोर्थ है यहाँ पे कथकट ए डांस फ्रॉम इज फ्रॉम, अब ये उड़ीसा का है या फिर नॉर्थन इंडिया का है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, 5 नंबर पे है द कलरफुल फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज। अब इंडिया का कलरफुल फेस्टिवल कौन सा है, दशहरा है या फिर होली, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हम कलरफुल फेस्टिवल होली को कहते हैं। ओके, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, बी नहीं होगा। फिर 6 नंबर है पीपल ऑफ फिल द ब्लैंक्स स्पीक इन मराठी। अब महाराष्ट्र के लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, यहाँ पे कश्मीरी और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के लोग क्या बोलते हैं, मराठी में। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो फिल द ब्लैंक्स इज द इंचार्ज ऑफ फिल्म मेकिंग। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है डायरेक्टर, बी है पायलट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डायरेक्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, फिल द ब्लैंक्स इज द इंचार्ज ऑफ लेबोरेटरी, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी चेयरमैन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, फिर 9 है यहाँ पे ग्रुप ऑफ ग्रेप्स इज कॉल्ड, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए और बी बंच, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बंच। ओके, फिर 10 है वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर, अब हमारे हाथ को कब धोना चाहिए, खाना खाने से पहले और बाद में। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा मेल्स, ऑप्शन ए। ओके, प्लेन नहीं होगा। 11 है ए म्यूजिक डेट्स प्ले विद द लिप्स कॉल्ड, फिल द ब्लैंक्स ए और बी, तो क्या हो जाएगा, बी, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, बुलंद दरवाजा इज, फिल द ब्लैंक्स के किलोमीटर फार फ्रॉम आगरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 43। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 43, 45 नहीं होगा। ओके, फिर आपका क्वेश्चन 13, तो क्वेश्चन 13 है यहाँ पे कथकली इन द स्टेट ऑफ,
तो यहाँ पे केरला और तमिलनाडु, तो आपके यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। ओके, तो आपको केरला में इस तरह से टिक लगानी है। फिर हमारा 14 है, नेम द विच प्लेस विद द हैंड्स। अब आप हैंड से क्या बजाते हैं, ए और बी में तो क्या है, ढोलक। ढोलक को हम अपने हाथों से बजाते हैं। ओके, 15 है, आयरन मैन ऑफ इंडिया इज सेड टू फिल द ब्लैंक्स। अब आयरन मैन किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को या फिर भगत सिंह को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ओके, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी तरह से आपका फिल द ब्लैंक्स, अब सेकंड सेक्शन आपका आ गया फिल द ब्लैंक्स, जो कि आप देख रहे हैं ये आपका ऑप्शन रहेगा। ओके, फिर आपको इसको देखकर सही जगह पे फिलअप करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट है यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ द स्कूल। अब स्कूल का हेड कौन होता है, स्कूल का हेड प्रिंसिपल होता है, आप सबको पता होगा। ओके, फिर टू है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ एरोप्लेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पायलट। ओके, फिर थर्ड है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ किंगडम, तो यहाँ पे हो जाएगा किंग। फोर्थ है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ द फिल्म मेकिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा डायरेक्टर। फिफ्थ यहाँ पे, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ ए टेम्पल, अब टेम्पल के हेड कौन से होते हैं, तो आपका इस तरह से हो जाएगा। ओके, फिर सिक्स यहाँ पे, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ ए बैंक, अब बैंक का हेड कौन होता है, तो बैंक का हेड होता है मैनेजर। ओके, फिर सेवन नंबर है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ ए रेलवे स्टेशन, अब रेलवे स्टेशन का हेड कौन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्टेशन मास्टर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर एट है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ ए न्यूज़पेपर, तो यहाँ पे हो जाएगा एडिटर। ओके, नाइन में है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ ए टीम, अब टीम का हेड कौन होता है, तो हो जाएगा यहाँ पे कैप्टन। ओके, तो कैप्टन आपका राइट आंसर होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे देखिए, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ ए हॉस्पिटल, तो यहाँ पे क्या है, मेडिकल ऑफिसर। ओके, 11 है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ बस, तो यहाँ पे है कंडक्टर। ओके, फिर 12 है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ कमेटी, कमेटी का हेड कौन होता है, तो चेयरमैन होता है। फिर 13 है, जनरल इज द हेड ऑफ इंडिया आर्मी। 14 है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ लाइब्रेरी। 15 है, फिल द ब्लैंक्स इज द हेड ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा साइंटिस्ट। ओके, तो आपका अब सेक्शन 2 भी कंप्लीट हो गया, अभी हम सेक्शन 3 देखेंगे। सेक्शन 3 में यह है आपके लिए ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट है, वी शुड टेक बाथ डेली, हमें डेली नहाना चाहिए, तो यस ऑफ कोर्स ट्रू। सेकेंड है, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील, तो यस ट्रू। थर्ड यहाँ पे, वी शुड ड्रिंक डायरेक्ट वाटर, नो फॉल्स। यहाँ पे फिर फोर्थ होगा, बैलेंसिंग फूड गिव्स एस वीकनेस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, वी प्ले फ्यूल्ड बाय माउथ, माउथ से हम बजाते, तो यस ट्रू। वी प्ले टेबल बाय हैंड्स, तो यस ट्रू। सेवेंथ में, वी प्ले ड्रम बाय स्टिक, तो यस ट्रू। एट में, टीम इज द नेम ऑफ सिंगल, तो यस फॉल्स। ओके, नाइन नंबर है, वी रीड बुक्स इन द जिम, तो नो फॉल्स। टेन है, वी रीड इन क्लासरूम, तो यस ट्रू। 11 है, वी गो टू जू टू सी एनिमल्स, तो आप एनिमल्स को देखने के लिए आप जू जाते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन 12 है, होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर, होली आपको पता है कि कलर का फेस्टिवल है, तो दिस इज ट्रू।
रक्षाबंधन इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट. रक्षाबंधन क्या लाइट का फेस्टिवल है? तो नो, दिस इज फॉल्स. फिर 14 है पंजाबी स्पीक इन पंजाब. तो यस ट्रू, पंजाब में पंजाबी बोलते हैं. ओके 15 है गुजराती स्पीक इन कश्मीर. अब गुजराती स्पीक कश्मीर में है तो नो फॉल्स. फिर आपका सेक्शन 4 है मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको मैच करना है. आप देख रहे हैं आपका मैचिंग है तो आपको दिवाली, दिवाली आपको पता है किसका त्यौहार है? लाइट का. तो यहाँ दिवाली को लेकर लाइट से हम, वेयर इज लाइट, यहाँ ओके, हम दिवाली को यहाँ पर लाइट से टच कर देंगे. ओके फिर यहाँ पे गुरु पूरब. गुरु किसका है फेस्टिवल? ये सिख की. फिर यहाँ क्रिसमस. क्रिसमस कौन से डे सेलिब्रेट होते हैं? तो 25 को. फिर है वेस्ट बंगाल, बंगाली. वेस्ट बंगाल कौन से लैंग्वेज बोलते हैं? बंगाली में. ओके फिर यहाँ पे हेड ऑफ स्कूल प्रिंसिपल. अब स्कूल के हेड को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल पे इस तरह से हम लगा देंगे. ओके फिर यहाँ पर है हेड ऑफ एरोप्लेन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पायलट. फिर यहाँ पे हेड ऑफ किंगडम, तो क्या हो जाएगा? किंग. ओके फिर स्टार्स का क्या होगा? गैलेक्सी. बुक्स लाइब्रेरी का यहाँ से टच कर देंगे. ओके फिर यहाँ फ्लावर को इधर से टच कर देंगे. ओके तो आपका मैच द फॉलोइंग भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. अभी वन वर्ड वाले आंसर को आंसर देख लेंगे. तो आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप्स ऑफ माउंटेन इज कॉल्ड. तो यहाँ पर दो आंसर है माउंटेन और रॉक. ओके तो आपका राइट आंसर हो जाएगा. आपको एक ही वर्ड में देना है तो इस तरह से हम लिख देंगे माउंटेन चेन. ओके सेकेंड है यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड. तो यहाँ पे हो जाएगा तो लिख देंगे CARAVAN. ओके फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका टीचर टीच स्टूडेंट इन क्लासरूम होगा या फिर होम. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लासरूम. ओके फिर 4th हम देखेंगे इसमें क्या है लैंग्वेज स्पीक इन गुजरात. तब गुजरात में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? तो गुजरात में बोलते हैं पंजाबी या फिर गुजराती. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजराती. ओके तो यहाँ पर आप गुजराती लिख देंगे. फिर क्वेश्चन नंबर 5 अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे लैंग्वेज स्पीक इन महाराष्ट्र. अब महाराष्ट्र में कौन सी लैंग्वेज चलती है? पंजाबी या फिर मराठी. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मराठी. यहाँ पर हम लिख देंगे मराठी. फिर आपका नेक्स्ट 6 है फिल द ब्लैंक्स कीप्स आवर बॉडी फिट. आपको बॉडी फिट रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज या फिर स्लिपिंग. तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी. ओके सेवन है यहाँ पे वी शुड ड्रिंक फिल द ब्लैंक्स वाटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्लीन. फिर क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मैनकर्ड इज मेड फ्रॉम फ्लावर एंड वेजिटेबल. तो यहाँ पे हो जाएगा फ्लावर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा. फिर क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ. दिवाली कलर्स की फेस्टिवल है कि लाइट्स की? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइट्स. ओके फिर यहाँ पे 10 है आपका क्रिसमस इज अ सेलिब्रेट इन विच मंथ. अब क्रिसमस आप
कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं, दिसंबर में या फिर नवंबर में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर में। ओके, दिसंबर। तो यहाँ पर आपका वर्कशीट वीडियो समाप्त होता है, तो आप इसको एक बेक टाइम देख कर अच्छे से लिख सकते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।